फिल्मों की शौकीन दादी माँ कहती थी, फिल्म जगत में वो काल ऐसा भी था जब लड़कियों को फिल्मों में काम करने के लिए किसी उचित कारण का होना जरूरी हुआ करता था। जैसे फिल्मों में काम करने का शौक होते हुए भी सिर्फ सामाजिक दबाव के वजह से वहाँ काम करने का मौका नहीं मिलता था। इसीलिए तो यहाँ तवायफ, एंग्लो इंडियन, पारसी नायिकाओं ने अपना दबदबा शुरू से ही आबाद रखा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी आरजे अनामिका आई हूँ कहानी लेकर कानन देवी जी की, आपके अपने चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज पर। दोस्तों, कानन देवी वो चुनिंदा शख्सियत हैं जिन्हें 1976 में भारत सरकार से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। तो चलिए जानते हैं कौन थी कानन देवी। अमीरों के फिल्म जगत में कानन देवी ये वो नाम है जो गरीबी से निकलकर बंगला फिल्म जगत की पहली महिला सुपरस्टार कहलाई। न सिर्फ एक्टिंग से फिल्म जगत को हिला डाला बल्कि मधुर आवाज से दुनिया भर के दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई। आपको तो पता ही होगा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद बंगला प्रांत ने स्वतंत्र फिल्म उद्योग का गठन हुआ था। महिला किरदार को पुरुष निभाते थे और पारसी एंग्लो इंडियन महिलाएं थी जो उस जमाने में स्टार अभिनेत्रियां हुआ करती थी। ऐसे में मुखपट फिल्मों के जमाने से एक शख्सियत ने बाल कलाकार के रूप में कदम रखा और प्रसिद्ध गायिका और एक्ट्रेस कहलाई, और वो थी हमारी कानन देवी। कानन जी का जन्म 22 अप्रैल 1916 में बंगला के हावड़ा शहर में हुआ। जन्म का नाम कानन दासी था, पर फिल्म जगत से उन्हें कई सारे नाम मिले जैसे कानन बाला और कानन देवी। उनकी माताजी राजोबला और पिताजी रतन चंद्र दस ने उन्हें गोद लिया था। अपनी आत्मकथा सबराय आमी नामी में कानन जी कहती हैं, मैं अपने माता पिता के लिए बहुत बदनसीब साबित हुई। मैं छोटी थी तब पिता की मृत्यु हो गई, इस वजह से मुझे और मेरी माँ को पैसे के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। एक परिचित के सुझाव पर कानन की माँ ने उन्हें फिल्मों में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। 1926 में बंगला फिल्म जयदेव से जब उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा तब उनकी उम्र महज 10 साल थी। कानन को नायिका के रूप में 4 साल बाद फिल्म ऋषिर प्रेम में पहली बार मौका मिला। 1931 में जब फिल्म रिलीज हुई तब तक फिल्मों ने बोलना सीख लिया था, ऐसे में आवाज का महत्व बहुत बढ़ गया। कानन देवी को कहीं संगीत की शिक्षा तो नहीं मिली लेकिन उनकी आवाज में खास तरह का आकर्षण था। फिल्म से जुड़े कुछ लोगों ने उनकी आवाज की विशेषता के बारे में उनका ध्यान खींचा और उन्हें संगीत की शिक्षा के लिए प्रेरित किया। उत्साहित कानन देवी ने कुछ समय के लिए लखनऊ के उस्ताद अलारखा खान से संगीत की तालीम ली। बाद में उन्होंने मेगाफोन कंपनी के प्रशिक्षक भीष्मदेव चैटर्जी से विशिष्ट शैली के बंगला गीतों की शिक्षा ली। इस बीच पर्दे पर कानन देवी की पहचान मजबूत होती जा रही थी। उनके सौंदर्य में विशेष प्रकार की मासूमियत थी, इसी से प्रभावित होकर उनके प्रशंसक उन्हें कानन बाला के स्थान पर कानन देवी बुलाने लगे और कानन बाला कम उम्र में ही देवी बन गई। फिल्म मुक्ति में कानन देवी ने पहली बार पंकज मलिक के निर्देशन में रविंद्र संगीत गाया। ये फिल्म बंगला और हिंदी दोनों भाषाओं में बनी। फिल्म के गीत बहुत लोकप्रिय हुए। इस जोड़ी ने कई फिल्मों में साथ साथ काम किया। फिल्मों में रविंद्र संगीत को लोकप्रिय बनाने का श्रेय पंकज मलिक और कानन देवी को जाता है। बंगला के अलावा कानन देवी ने हिंदी फिल्मों में भी गीत गाए और वो अपने समय की सर्वश्रेष्ठ फिल्म गायिका साबित हुई। खुर्शीद, नूरजहां और सुरैया फिल्म गायकी के क्षेत्र में उनके बाद स्थापित हुई। उनके कई गीत जैसे ये दुनिया तूफान मेल या फिर मोरे अंगना आए अली अपने समय के सुपर हिट गीत रहे। बंगला में गाए उनके गीत तो बंगला समाज के मन में गहरे बैठ गए थे। बंगाल में कानन देवी की लोकप्रियता का आलम यह था कि देवी देवताओं के अलावा घरों में उनके चित्र भी लगाए जाते थे। हिंदी फिल्मों में कानन देवी की शोहरत को भुनाने के लिए उन्हें फिल्मों से लगातार प्रस्ताव मिल रहे थे, लेकिन उन्होंने इन प्रस्तावों को ये कहकर खारिज कर दिया कि वो कोलकाता में संतुष्ट हैं और मुंबई में काम करने की इच्छा नहीं है। लेकिन बहुत दबाव बढ़ने पर
उन्होंने एक निर्माता लक्ष्मीदास आनंद से कहा कि अगर वे कोलकाता आकर हिंदी फिल्में बनाएं, तो वो काम कर लेंगे। वे राजी हो गए और उन्होंने कोलकाता आकर फिल्म श्री कृष्ण लीला बनाई। इस फिल्म के लिए कानन देवी को 2,00,000 रुपए पारिश्रमिक के रूप में मिले। उस समय भारतीय फिल्मों के इतिहास में किसी अभिनेत्री को पारिश्रमिक के तौर पर इतनी बड़ी रकम नहीं मिली थी। कई फिल्मों में नारी के विभिन्न चरित्र को कानन देवी ने जिस तरह से अभिनीत किया, उससे वो बंगला समाज में आदर्श नारी के रूप में देखी जाती थी। फिल्म शेष उत्तर, मनमोही गर्ल्स स्कूल, मुक्ति, परिचय, अभिनेत्री, हार जीत जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को भुला पाना मुश्किल है। एक समारोह में कानन देवी की आंखें एक आकर्षक युवक हरिदास भट्टाचार्य से मिली। हरिदास राज्यपाल के सुरक्षा स्टाफ में शामिल थे। ये पहली नजर का प्यार था और जल्द ही दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद कानन देवी ने अपनी फिल्म कंपनी श्रीमती पिक्चर्स बनाई और फिल्मों के निर्देशन की कमान अपने पति को सौंपी। उनकी निर्माणाधीन पहली फिल्म थी अन्याय, जो फ्लॉप रही। इसके बाद कानन देवी नवविधान, देवज, आशा इंद्रवन और श्रीकांत जैसी फिल्मों के जरिए अपने प्रशंसकों के दिलों पर राज करती रही। हिंदी में भी कानन देवी की मांग कम नहीं हुई। जवानी की रीत, हार जीत, हॉस्पिटल, बन फूल, राज्यलक्ष्मी, अरेबियन नाइट, फैसला, तुम और मैं जैसी फिल्मों के जरिए कानन देवी ने किसी अभिनेत्री को अपने आस पास भी पहुंचने नहीं दिया। चंद्रशेखर उनकी रोमांटिक छवि वाली अंतिम हिंदी फिल्म थी। इसमें छवि विश्वास और अशोक कुमार उनके हीरो थे। बेपना शोहरत और दौलत कमाने वाली कानन देवी कभी अपने अतीत को नहीं भूल पाई। समाज के वंचित तबके के लिए उनका मन बेचैन रहता था। वो लोगों के लिए कुछ करना चाह रही थी। एक दिन उन्होंने एक पुरानी अभिनेत्री को भीख मांगते देखा तो हिल कर रह गई। 1962 में उन्होंने फिल्मों से पूरी तरह से संन्यास ले लिया। उस फैसले से सिनेमा जगत स्तब्ध रह गया। जिस बुलंदी पर कानन देवी उस समय थी, वहां पहुंचने का केवल सपना देखा जा सकता था। ऐसे में संन्यास लेने का कदम मामूली काम नहीं था। फिल्मों से नाता तोड़ने के बाद कानन देवी ने फिल्म जगत से जुड़े लोगों के कल्याण के लिए महिला शिल्पी महल नाम का केंद्र स्थापित किया। एक इमारत खरीदकर शुरू किए गए इस केंद्र में बेसहारा अभिनेत्रियों और संगीत से जुड़े लोगों को सहारा देने का काम होता रहा। 1968 में उन्हें पद्मश्री और 1977 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। फिल्मों से अलग होने के बाद भी सालों तक उन्हें फिल्मों के अच्छे प्रस्ताव और प्रलोभन मिलते रहे, लेकिन कानन देवी अपने गृहस्थ जीवन और समाज सेवा में अंतिम समय तक व्यस्त रहीं। 1992 में उनका निधन हो गया। तो मैं थी आपकी आरजे अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।